नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। महमूदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कॉलेज परिसर में योग कार्यशाला सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर अनिस अहमद, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस व्यापार एवं उद्योग सेल के अध्यक्ष अतुल कुटेचा, रमेश मुल्तानी एवं सीमा मुल्तानी, योग प्रशिक्षक जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल रामनगर, सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ के निदेशक डॉक्टर एस एम राजन के हाथों हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर रवि कलसाइत, मदन कड़वे, सागर ठाकरे, बीना जॉय, स्वाति बुधनकर, डॉक्टर स्वाति राउत, डॉक्टर सीमा चिखले, डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, डॉक्टर शबाना अंजुम, सेसेलिया रुबिन, जरीना सलीम, प्राध्यापकगण, नॉन टीचिंग स्टाफ तथा बड़ी मात्रा में विद्यार्थीगण उपस्थित थे। कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर तथा माँ सरस्वती की प्रतिमा को माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर अनिस अहमद ने वर्तमान महामारी की स्थिति में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। विश्व योग दिवस के अवसर पर महामेट्रो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जीरो माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पर सामूहिक योग दिवस मनाया। प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक कौशल गुरुजी ने आसन सिखाए और योगासन के महत्व पर जोर दिया। योग दिन के अवसर पर महामेट्रो के कार्यकारी निदेशक उदय बोरवणकर ने कहा कि मेट्रो यात्रा स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद है और नागरिकों को इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि विश्व योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर 75 मिनट की मेट्रो ट्रेन में यात्रा कर जीरो माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खापरी और जीरो माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन तक प्रतीकात्मक योग किया। नागपुर विद्यापीठ के उपकुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी, खिलाड़ी एवं विद्यार्थीगण उपस्थित थे। प्रेक्षा फाउंडेशन के निर्देशन में नागपुर प्रेक्षा वाहिनी, तेरापंथी सभा, तेरापंथी युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अनुव्रत भवन में कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। प्रेक्षा ध्यान केंद्र के संयोजक आनंदमल सेठिया ने महाप्राण ध्वनि एवं अरहम की ध्वनि करवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके सहयोगी जतन मालू एवं उर्मिला भुतड़ा ने भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित प्रोटोकॉल के अनुसार आसन एवं प्राणायाम विधिपूर्वक करवाए। प्रेक्षा प्रशिक्षक अमित जैन ने प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करवाया। कार्यक्रम में ओसवाल पंचायती, वर्धमान नगर जैन श्रावक संघ, आरोग्य भारती, बीजेएस नागपुर सेंट्रल, वर्धमान नगर जैन समाज, महावीर युवक मंडल, स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी महिला समिति आदि विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की विशेष उपस्थिति रही। प्रेमलता सेठिया ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए प्रेक्षा फाउंडेशन की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। युवक परिषद अध्यक्ष नितिन नखाते ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। हास्य, योग एवं मंगल भावना व शुभ संकल्पों के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में जूम लिंक के माध्यम से देश भर के अनेक लोग भी जुड़े हुए थे। सभी ने कार्यक्रम की भरपूर सराहना की और सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल मुख्यालय में नागपुर सहित मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं कार्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। कई स्थानों पर कर्मचारियों ने हर्षोल्लास से योग का अभ्यास किया। शिविर में मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित योग प्रशिक्षकों ने जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला एवं विभिन्न आसनों का प्रदर्शन भी किया एवं उपस्थित अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। मुख्य कार्यक्रम माउंट रोड स्थित रेल अधिकारी क्लब में आयोजित किया गया था। इस शिविर में प्रमुख रूप से मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक एके सूर्यवंशी एवं वी जगताप सहित मंडल के सभी विभागीय अधिकारी शामिल हुए और सभी ने विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। इसके अलावा इतवारी, नागभीड़, गोंदिया, डोंगरगढ़, नैनपुर आदि स्टेशनों एवं इंटीगता ट्यूट, कला मंदिर मोतीबाग, नैरोगेज रेल संग्रहालय कड़वी चौक, गोंदिया डीजल शेड, मोतीबाग वर्कशॉप आदि में भी योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां अधिकारियों कर्मचारियों ने योग अभ्यास कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर को सार्थक किया। अजनी रेलवे इंस्टीट्यूट में बड़ी संख्या में कर्मचारी, महिलाएं एवं बच्चे इस शिविर में उपस्थित थे और सभी ने हर्षोल्लास से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शहर पतंजलि योग समिति की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन रेशिमबाग मैदान में किया गया। योग दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में बड़ी तेजी से वर्षा का आगमन होते हुए भी पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन निष्ठा तथा अथक प्रयास से किया।
इस वर्ष भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस पृष्ठभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पतंजलि समिति ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत सरकार ने योग के प्रोटोकॉल को निर्धारित किया। इसी के अनुसार उपस्थित योग साधकों को प्रोटोकॉल के मार्गदर्शन के लिए पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज को आमंत्रित किया गया था। इन्होंने बड़े ही प्रभावी तरीके से उपस्थित योग प्रेमियों के समक्ष विविध योगासन तथा प्राणायाम का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश सुश्री मीरा खड़कर ने की। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा थे। पतंजलि के मुख्य संरक्षक यशपाल आर्य, स्नेहलता, एडवोकेट मंजीत मतानी, विठलराव जीपकाटे, प्रकाश पोटफोड़े, पूर्व विधायक सुधाकर कोले ने दीप प्रज्वलन किया तथा उपस्थित योग साधकों को यथोचित मार्गदर्शन किया। जरीपटका स्थित जी कुमार आरोग्य धाम में आरोग्य धाम हेल्थ केयर सोसाइटी के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अंजू ममतानी के मार्गदर्शन में सभी ने मंत्र सहित सूर्य नमस्कार व प्राणायाम का अभ्यास कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। योग के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर ममतानी ने परम पूज्य जनार्दन स्वामी जी का संदेश दिया कि जीवन में सुख, समाधान व निरोगी अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने नित्य निरंतर यथाशक्ति योगाभ्यास करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, बुद्धि तेज व तनाव रहित जीवन व्यतीत होता है। डॉक्टर जी एम ममतानी ने करे योग रहे निरोग का महत्व प्रतिपादित करते हुए योगोपचार की जानकारी देते हुए बताया कि योग दूर करने हेतु औषधियों के साथ साथ नियमित रूप से योगासन भी अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर अनेक वात विकार पर डायबिटीज से ग्रस्त मरीजों ने निशुल्क चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया। मरीजों को भी रोगानुसार योगासन के प्रात्यक्षिक कर दिखाए गए। शिविर में संधिवात, गाउट, स्पाइंडिलाइटिस, साइटिका, स्लिप डिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस, घुटने का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, मधुमेह, हाइपरटेंशन आदि बीमारियों से ग्रस्त मरीजों ने चिकित्सा लाभ उठाया। शिविर में शामिल होने वाले प्रत्येक मरीज को स्वास्थ्य वाटिका पत्रिका निःशुल्क दी गई। एनटीपीसी मौदा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हर्षोल्लास से किया गया, जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों, महिलाएं और बच्चों के लिए एक योग सेशन रखा गया। इस अवसर पर मौदा से श्रद्धा अम्बुलकर को योग करवाने के हेतु आमंत्रित किया गया, जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के विषय मानवता के लिए योग से संबंधित बातों से अवगत करवाया एवं सूर्य नमस्कार और कई सारे लाभदायक आसन करवाए। एनटीपीसी मौदा द्वारा नियमित रूप से अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे कार्यस्थल की जिम्मेदारी और निजी जीवन के बीच संतुलन बन सके, जिससे लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। यह दिन भारत के योग के सदियों पुराने अभ्यास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है और मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख ए.के. मनोहर, महाप्रबंधक रमाकांत पंडा, महाप्रबंधक ए.के. बारी, मानव संसाधन विभाग अध्यक्ष सागर रंजन साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, महिलाएं और बच्चे उपस्थित थे। अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार नागपुर और श्री महावीर सहकारी गृह निर्माण संस्था द्वारा विश्व योग दिवस पर मंगलवार सुबह ग्रेट नाग रोड स्थित महावीर नगर मैदान पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। योग शिक्षक एकनाथ राव सवाला के शरद वेखंडे, प्रोफेसर सुनील जायसवाल, प्रीति मुलेवार ने उपस्थित नागरिकों को योगासन करके और विविध प्रकार के योग प्राणायाम का महत्व बताया। समारोह के प्रारंभ में मनीषा नखाते, प्रतिमा सावरकर, कल्पना सावलकर, शुभांगी लंबाड़े, प्रणीता बोबड़े, मंगला मेंढे ने प्रार्थना गीत प्रस्तुत किया। योग शिक्षकों का परिचय राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बंडन ने दिया। बांते गुरुजी हर्षा वेखंडे ने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रविंद्र भूसारी ने किया। आभार प्रदर्शन शाखा अध्यक्ष शरद मचाले ने किया। फिटनेस फॉर एवर माझी महानगर सोशल ग्रुप अमर स्वरूप फाउंडेशन ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वेकोली मुख्यालय स्थित कोल क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सीएमडी मनोज कुमार, निदेशक डॉक्टर संजय कुमार, निदेशक जेपी द्विवेदी, तकनीकी निदेशक एके सिंह एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने टीम वेकोली के सदस्यों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। योग गुरु अशोक गांधी ने कोल क्लब में सभी को सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, पवन मुक्तासन, कपाल भारती, प्राणायाम आदि आसन कराए तथा इन आसनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारीगण तथा कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। इसी प्रकार वेकोली मुख्यालय के झंकार महिला मंडल द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास किया गया।
सांस्कृतिक भवन में आयोजित योग दिवस के इस कार्यक्रम में महिला मंडल की अध्यक्ष अनीता अग्रवाल तथा उपाध्यक्ष आभा द्विवेदी एवं श्रद्धा श्रीवास्तव ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में गायत्री, रचना तथा चरणजीत ने योगाभ्यास कराया, जिसे उपस्थित महिलाओं ने किया। योग दिवस के कार्यक्रम मुख्यालय के साथ साथ वेकोली के सभी क्षेत्रों में आयोजित किए गए। लकड़गंज उद्यान समिति एवं आर्ट्स ग्रुप द्वारा विश्व योग दिवस एवं विश्व संगीत दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आर्ट्स ग्रुप के राजेश्री आनंद पुरोहित ने योग के फायदे बताए। लकड़गंज उद्यान के मनोज शक्कर ने संगीत और योग की जानकारी दी। सर्वप्रथम सरस्वती माता के चरणों में पुष्प अर्पित किया गया। नितिन उनादकट एवं दीपक खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर नगर सेवक मनोज चाफले, नरसी पटेल, व्यापारी आघाड़ी अध्यक्ष राजेश मुनियार मुख्य रूप से उपस्थित थे। नंदू फाये ने उद्यान में जो पेड़ है उनके फायदों के बारे में जानकारी दी। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में 4.5 साल की नन्ही बालिका दित्या हर्षित ठक्कर लग जा गले गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम को सफल करने में सार्थक जितेंद्र ग्रोवर, अवतार सिंह, तलवार हरविंदर पावा, हरीश चचड़ा, सुनील आनंद, सुरेश जोईसर, चेतन शाह, विक्की यादव, विक्की जैन, संतोष साहू, विजय हजारे, पंकज चौहान, निमकर, चंदन मोटवानी, गेंदलाल जी बरबटे, रवि नाडार, मीता मनोज ठक्कर, अपूर्वा हर्षित ठक्कर, पूजा वर्मदे, रितेश आनंद आदि का सहयोग रहा। अरुण फुलजेले ने आभार प्रदर्शन किया। वर्धमान नगर स्थित ललिता पब्लिक स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर शाला की संचालिका चेतना टांग, मुख्याध्यापिका मंजरी जोशी, शिक्षकगण, कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। शाला की शारीरिक प्रशिक्षक काजल गणवीर ने छात्रों को योगाभ्यास का महत्व बताते हुए योग एवं आसन करवाए और बताया कि योग शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। अंत में मुख्याध्यापिका ने इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योग होता आ रहा है। योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा है जो अब विदेश में भी फैल गया है। योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति भी देता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पहल पर कस्तूरचंद पार्क में भव्य योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुबह 5:30 बजे कस्तूरचंद पार्क में जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए योग साधना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक से सुबह 7:45 बजे वर्चुअल तरीके से योग स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और इसके पश्चात योग प्रदर्शन शुरू किया गया। मंडल अध्यक्ष राम खांडवे की पहल पर लगभग 15,000 पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के साथ साथ सरकारी अधिकारियों और विविध संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. विकास महात्मे, विधायक एवं भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, संभागायुक्त डॉ. माधवी खोड़े चौरे, जिलाधिकारी आर. विमला, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, NHAI सदस्य राजीव अग्रवाल, क्षेत्रीय अधिकारी NL येवतकर, परियोजना निदेशक योगाचार्य भरत, सरोज गुप्ता आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ताजबाग क्षेत्र के मुस्लिम बंधुओं ने भाजपा अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक शेख की उपस्थिति में ताजबाग दरगाह में योग करके इस आयोजन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। भाजपा अल्पसंख्यक सेल तथा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदस्यों ने ताड़ासन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया और अंत में मानव कल्याण एवं देश में अमन, विकास तथा सभी समुदायों के बीच भाईचारे की दुआ मांगी। वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड मुख्यालय के अफसरों एवं कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह योग के प्रभावशाली प्रदर्शन कर अपने परिजनों के साथ मिलकर विविध प्रकार के आसन किए। योग प्रशिक्षकों ने परिचयात्मक वार्ता के माध्यम से योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर समग्र सकारात्मक प्रभाव डालने हेतु विविध योगासनों, श्वास तकनीक और ध्यान के 1 घंटे के अभ्यास के लाभ के बारे में बताया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस साल नागपुर समेत देश के 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर समारोह आयोजित किया गया था। वायुसेना के अलावा थलसेना के उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात उपक्षेत्र उमंग के तत्वावधान में नागपुर और कामठी छावनी में बड़े उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाओं और बच्चों के साथ उमंग उपक्षेत्र के कमांडिंग अफसर ने भी भाग लिया। COVID-19 महामारी के मद्देनजर कार्यक्रम छोटे समूहों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आर्य विद्या सभा द्वारा
संचालित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय में योग दिवस संपूर्ण निष्ठा एवं उत्साह से मनाया गया। नियमित रूप से व्यायाम करने से उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, अन्य जीवन सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संगीता सखदेव ने योग का भारतीय संस्कृति द्वारा प्रतिपादित सार तत्व घोषित किया। आर्य संस्कृति के परिचायक ऋग्वेद में भी योग को जीवन का अभिन्न अंग बताया गया है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आर्य विद्या सभा के सचिव राजेश लालवानी का अभिनंदन समस्त शारीरिक प्रशिक्षकों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित योग प्रशिक्षक स्वतेजा पाटिल का स्वागत संस्था के सचिव द्वारा किया गया। उकुंडे मैडम, कावरे मैडम एवं राउत सर जैसे प्रशिक्षकों द्वारा अनेक प्रकार के योगासन के लाभ पर प्रकाश डाला गया और सभी अध्यापिकाओं ने योगासन किया। जूनियर कॉलेज टीचर संगीता ज्ञानचंदानी ने एक अद्भुत वक्तव्य पेश किया कि जीवन के दो ही मित, एक योग एक संगीत। सूर्य नमस्कार के सभी मंत्रों को संगीतमय रूप से प्रस्तुत करते हुए सूर्य नमस्कार करवाया गया। अंजलि कावरे ने जीवन के आयाम प्राणायाम को संजीवनी बूटी बताते हुए उसे अपनाने का आग्रह किया व समस्त अध्यापिकाओं से प्राणायाम करवाया। छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नंदनवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हुई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्होंने भारत देश के समस्त नागरिकों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी अमृतवाणी से संबोधित किया, जिसका आयुष मंत्रालय द्वारा उपलब्ध की गई लिंक द्वारा उपस्थित संस्थान के सभी अधिकारी, कर्मचारी तथा मरीजों ने तन्मयता से सुना। तत्पश्चात डॉक्टर मनीषा तलेकर द्वारा उपस्थितों का स्वागत कर मंत्रालय द्वारा प्राप्त कॉमन योग प्रोटोकॉल बताते हुए उसकी उपयुक्तता के विषय में संबोधित किया। पूजा सयाम योगा प्रशिक्षक द्वारा उपस्थितों को निर्देशित प्रोटोकॉल के अनुसार योग करते हुए हर आसन का महत्व बताते हुए प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बहुत ही सरलता से योग की बारीकियों के बारे में बताया, साथ ही योग के सामान्य नियमों के बारे में अवगत कराया। प्रिया वैद्य अशोकराव ठाकरे द्वारा संस्थान के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा मरीजों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई एवं योग के महत्व तथा उसके अर्थ तथा योग की मूलभूत धारणा के विषय में विस्तारपूर्वक बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समर्पण सेवा समिति एवं लॉयंस क्लब द्वारा सामूहिक योग का कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत माता उद्यान अम्बेडकर चौक में रखा गया। इस कार्यक्रम में जितेंद्र शर्मा द्वारा सभी उपस्थितों को योग कराया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पूर्व विधायक गिरीश व्यास, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष उमेश महतो, शोभा गिरीश व्यास, डॉक्टर महेश तिवारी, नितिन वर्मा, विनोद गुप्ता, रजनीश जैन, संध्या जैन, नरेश जुमानी, दिव्या जुमानी, किशोर भैया, जमुनादास वागवानी, याशिका जुमानी, मनोज तिवारी आदि सदस्य द्वारा योग किया गया। कार्यक्रम के अंत में योग गुरु जितेंद्र शर्मा का शॉल श्रीफल एवं उपहार देकर सत्कार किया गया। योग व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में भी संतुलन बनाया जा सकता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युग से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग लगभग 10,000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शहर में स्थित दत्तात्रेय नगर के संत ज्ञानेश्वर बगीचे में योग नृत्य व स्ट्रेचिंग ग्रुप परिवार ने हर्षोल्लास से मनाया। सभी योग प्रेमियों ने कार्यक्रम की शुरुआत इस साल योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग को संकल्पित करते हुए योग नृत्य और स्ट्रेचिंग योग किया। योग कार्यक्रम का समापन मिठाई बांटकर किया गया। इस योगिक क्रिया में प्रमुखता से नगर सेवक अनिल वाघमारे, योग प्रशिक्षक जयंत नागरीचा, प्रशिक्षक बबन गांजरे, प्रशिक्षक जयंत वलसे, प्रशिक्षक शैलेश बरामकर, महादेव तोड़रे, अजय वानखेड़े, पंकज कड़वेकर, संजय हिवसे, मोहिरले मानेगावकर, महेश पिंदारी, निमजे, भाग्यश्री राउत, पूजा काकड़े, वासंती काथोटे, करंबे, वैशाली वाघमारे, रेवती वलसे, श्रुति पांडे, छाया कुरुतकर, कुरुटकर, पंकज पांडे आदि उपस्थित थे। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि देह, चित्त और आत्मा का स्वास्थ्य ही योग है। विश्वविद्यालय में मानवता के लिए योग इस सूत्रवाक्य पर बड़े उत्साह के साथ योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर शुक्ल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के प्रतिष्ठित 75 संस्थानों, विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए चयनित किया गया। इस दृष्टि से इस वर्ष का योग दिवस कार्यक्रम विश्वविद्यालय में भव्य आयोजन होना हमारे लिए गौरव का विषय है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लंदन से पधारी चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी की अध्यक्ष और प्रख्यात संस्कृत साधिका
डॉक्टर लूसी गेस्ट एवं विद्यार्थी प्रतिनिधि आबिद रजा उपस्थित थे। इस अवसर पर योग विशेषज्ञ योगिक विज्ञान योग संस्कार संस्थान नागपुर के मुकुल गुरु ने आयुष मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणायाम एवं योगाभ्यास करवाया। भारत सरकार की ओर से योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम मैसूर पैलेस कर्नाटक में आयोजित किया गया, जिसके सीधे प्रसारण को देखने की व्यवस्था विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी भवन में की गई थी। मंगलवार को सावनेर स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र तथा सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। अश्विनी दिवटे और मीना अजमेरा के मार्गदर्शन में सभी विद्यार्थियों ने कुशलतापूर्वक योग किया। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने अपने भाषण के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आज पूरी दुनिया में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर लोग योग कर रहे हैं। भारत के साथ साथ आज पूरे विश्व में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया के लोगों ने योग को दिल से अपनाया है। स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है योग। स्वस्थ शरीर, परिवार, समाज और सशक्त भारत के निर्माण के लिए योग जरूरी है। योग करने से हमारे मन में शांति तो आती ही है, साथ साथ योग से समाज दुनिया में शांति आ सकती है। योग मानव को निरोग जीवन दे सकता है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।